व्हाट इज़ आप कैसे हो सबके सब। आई होप बहुत ही बढ़िया हो गए यार। तो 2024 बैच के लिए तुम पढ़ रहे हो, 2024 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं तुम्हारे उसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो तुम्हारे मन में यार एक सवाल तो आना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ने चाहिए। और अगर तुम बहुत ही वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, होशियार तो सभी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे सब, लेकिन फिर भी यार तुम्हें यार एक आइडिया लग गया होगा। तुम इतनी वीडियोस वगैरह देखते हो कि और ख़ुद को एनालाइज़ किया होगा तो समझ में आ गया होगा कि घंटे, पर्टिकुलर घंटे बताना तो पॉसिबल नहीं, सबके लिए वो वेरी करता है ना। ये बात तो तुम्हें क्लियर होगी, तुम मॉडर्न जेन ज़ी वाले बंदे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी यार चलो ट्राई करते हैं घंटे काउंट करने के, ठीक है। एक रफ़ आइडिया तो लग ही जाता है, तो उस रफ आइडिया की तरफ हम देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अब तुम कहोगे कि यार बोनीफाइड बंदे हो आप कि नहीं बताने के लिए हमें, ये मतलब आप ठीक बंदे हो कि नहीं, कि आप बताने लायक हो, क्योंकि यार आजकल कोई भी यूट्यूबर बन जा रहा है कोई भी बंदा। तो यस मैं बताने लायक हूँ। मेरी खुद यार 94.75% बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर थी, है ना। तुम कहोगे ये तो काफ़ी कम परसेंट है भैया, तो कुछ गलतियाँ के चलते मेरी इतनी हो गई थी, लेकिन उस टाइम सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, काफ़ी पहले की ये बात है, तो टेंशन मत लो। और मेरे पास एक्सपीरियंस है, और हम यार इस बार जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के बंदे थे उनमें से यार हाईएस्ट परसेंट हमने निकाली है 98.6, और वो भी दो बंदों की, ठीक है, दो बंदों की निकाली है। और 15+ 95% या उनसे ऊपर वाले बंदे निकाले हैं। कम से कम हमने यार दस बंदे 97+% वाले हैं उनमें से। तो भाई मैं बोनीफाइड बंदा हूँ। और कुछ दिन पहले हमने एक टॉपर इंटरेक्शन किया, टॉपर के साथ एक पॉडकास्ट तरीके की तुम समझ लो वो करती रन भी सो नहीं ठीक है। तो यार उसका एपिसोड बन उसका जो है वो आ चुका है चैनल पर, इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड वो है। इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बंदों की परसेंटेज डिस्ट्रॉय हुई इंग्लिश के चक्कर में। तो जाके उसको जरूर देखना, जिस बंदे के साथ मैंने पॉडकास्ट करी है उसके 99 इन इंग्लिश लैंग्वेज हैं, प्लस 97% उसकी बेस्ट ऑफ 5 का स्कोर है, ठीक है। तो जाके उसको जरूर देखना। तो चलो हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने घंटे हमें एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, अच्छा पेन लेते हैं, थोड़ा कलरफुल रंगीन, ठीक है। तो यार मैथ्स के अंदर हम देखें तो अगर तुम्हें 100 नंबर लाने हैं, और जो भी मैं बातें करूँगा वो करूँगा, देखो तो मैं बता दूँ पहले, जो भी मैं बातें करूँगा वो सिर्फ सेल्फ स्टडी टाइम को लेके करूँगा। सेल्फ स्टडी मतलब जहाँ तुम YouTube बाईटी के लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, ठीक है, जहाँ तुम जो अपना तुम्हारा ट्यूशन का टाइम है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जहाँ तुम अपना जो स्कूल का टाइम है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, और जो तुम खुद से पढ़ रहे हो सिर्फ तुम वो टाइम इंक्लूड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टडी टाइम। तो मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर जो भी तुम्हें देखने हो तुम पहले देखो, ट्यूशन जाना हो, स्कूल जाना हो, फिर रात में बढ़िया बैठो, ठीक है। अगर तुम सुबह सुबह पढ़ते हो अर्ली मॉर्निंग जाग के, तो वेल एंड गुड, बनना यार ज़्यादातर बंदे यहाँ पर होते हैं, आई नो, कि जो रात में रात्रि वो करते हैं जागरण, ठीक है। तो वही अगर तुम वाले बंदे हो तो रात में बढ़िया बैठ लो। और मैं तुम्हें ऊपर से बता दूं भाई, ये जो रूटीन है वो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 घंटे मैक्स टू मैक्स लेगा तुम्हारे, ठीक है। और ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ भाई कितने तुम्हें घंटे पढ़ने हैं, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि इतना टाइम तो तुम्हें मिनिमम देना चाहिए एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैथ्स हर बंदे की यही जुबान पर रहता है कि भाई मैथ्स हम कैसे पढ़ाएं। और मैथ्स में मैं तुम्हें बताऊँ यार, बंदे अच्छा स्कोर करते हैं काफ़ी। और अगर तुम्हें और हैकर चाहिए, इसी एक बंदे के डेफिनेटली 100 नंबर मैथ्स में हर एक सब्जेक्ट में, बस इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश में किसी के नहीं होंगे 100, एक आधी बंदे के रेयरली होते हैं पूरे इंडिया में, एक या दो बंदों के, ठीक है, उस बंदे के 99 है, तो उसकी पॉडकास्ट जरूर जाके देख लेना, ठीक है। तो 100 तो काफ़ी बंदों के हैं। तो भाई 100 की मैं तुम्हें 100 का राज बता देता हूँ। 100 का राज है भाई डेली प्रैक्टिस अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हारी 10th शुरू हुई है, और अगर तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो। और अगर तुम ये कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे 100 नंबर बिल्कुल आएंगे अगर तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यार देखो, दो तरीके की जनता हमारे पास होती है, एक होती है जो मैथ्स में बढ़िया होते हैं, ठीक है, जो यार मैथ्स में एक एवरेज होते हैं। एवरेज बंदे का मैं तुम्हें वो राज बता दूं, एवरेज बंदे का क्या है यार, ठीक ठाक है मैथ्स, हम कर ही लेंगे, या फिर थोड़ी सी टफ लगती है, ज़्यादा नहीं लगती और हो ही जाती है जैसे तैसे करके। तो अगर तुम्हें एवरेज से बढ़िया बनना है, ठीक है, गुड की तरफ जाना है, तो मैं तुम्हें अभी एक बंदी का एग्जाम्पल देता हूँ, रिद्धि का। रिद्धि बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट थी हमारी, है ना, अभी भी है, मतलब जुड़ी है साथ में, उसने 10th तो पास कर ली, उसकी 97.6% आई, और उसकी 9th में पता है कितनी परसेंट थी, अभी तुम भी 9th से उठ के आओ, उसकी 9th में परसेंट थी 65-70,
के अराउंड इसकी परसेंटेज हमेशा रहती थी, उसकी 97% आई। इतना बड़ा ट्रांजिशन उसने किया, तो मैंने उसके साथ पॉडकास्ट किया है, उसको डालूंगा, पोस्ट करूंगा कुछ दिन में। तो उसका सीक्रेट समझ लो भाई, प्रैक्टिस। उस बंदी ने डेली प्रैक्टिस करी, उसके माइंड में क्लियर था कि मुझे अच्छी परसेंट 10th के अंदर लाना है, और डेफिनेटली उसने की करके दिखाया। 97.6 हंसी खेल थोड़ी ना करना, ठीक है। तो भाई तुम्हें एवरेज या बैड है ना, थोड़ा पुअर, अगर तुम्हें उनसे गुड की तरफ आना है, गुड की तरफ ट्रांजिशन अगर तुम्हें करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें डेली प्रैक्टिस मैथ्स की करनी होगी। अब भाई कितनी करनी है, अगर तुम वीडियो लेक्चर देख लेते हो YT से, मैं भी लाने वाला हूँ मैथ्स के, सब्सक्राइब तो तुरंत कर लेना, सब्सक्राइब की तो मैं बात ही भूल गया, बोलने ही भूल गया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं भी मैथ्स की वीडियो लाने वाला हूँ। तो भाई तुम डेली टास्क कंप्लीट करो। डेली टास्क का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डेली टास्क मतलब जो तुम्हारे ट्यूशन टीचर हैं, ठीक है, ट्यूशन टीचर होंगे है ना, मैथ्स का अगर ट्यूशन पढ़ते हो, मेजोरिटी लोग पढ़ते हैं मैथ्स का ट्यूशन, अगर तुम मैथ्स का ट्यूशन पढ़ते हो, आई एम सो सॉरी, थोड़ा रुक जाओ, ये सब रफ मैं कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं एरिया को, ठीक है। ओके जी, ओके जी, थोड़ा सा क्लियर करके फिर अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर भाई डेली टास्क का मैंने मतलब बता दिया तुम्हें, ट्यूशन टीचर ने जो तुम्हारे टास्क दिया है, या फिर अगर तुम सेल्फ स्टडी वाले बंदे हो, तो तुमने एक खुद को टास्क असाइन किया है, उसको हम करेंगे डेली टास्क। तो डेली टास्क के चलते मैं तुम्हें बताऊँ, ट्यूशन से तो तुम्हें सेल्फ स्टडी की बात करूँ, सेल्फ स्टडी क्या होनी चाहिए, ट्यूशन का डेली टास्क कंप्लीट करना, दैट शुड बी योर सेल्फ स्टडी। तो वो तुम्हें डेली करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस के अंदर ही आ जाता है तुम्हारा डेली टास्क, ठीक है। तो भाई तुम्हें अगर तुम्हारा कई बार ऐसा होता है, कई दिन ऐसे आते हैं कि यार यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का, उस टाइम यार तुम्हें टफनेस दिखानी हो, तुम्हें टफ होना है ना, एकदम टफ। तुम बड़े हो चुके हो, तुम 10th में आ गए हो, तुम एग्जाम लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम, तो यार टफनेस तो तुम दिखा ही सकते हो है ना, थोड़ी बिल पावर वहाँ यूज़ करनी है। और तुम सिर्फ तुम्हें खुद से ये कहना है कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठूंगा या बैठूंगी, 10 मिनट के लिए, तुम 10 मिनट के लिए बैठो और फिर भाई उठ जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं लगे, ज़्यादा मूड खराब है, वरना तो यार मन लग जाता है और तुम्हारा 10 मिनट 40 मिनट हो जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है। तो भाई ये जो बातें मैंने करी उसमें 40 मिनट तुम्हारे लगेंगे, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं, वीडियो लेक्चर तुम्हारे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हारी प्रैक्टिस इंक्लूड कर रहा हूँ, डेली टास्क इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर 40 मिनट सेल्फ स्टडी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 40 मिनट तो एटलीस्ट तुम्हें देनी चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई भाई ऊपर से मैथ्स की बात है, ठीक है। और चाहो तुम तो डिटेल में अच्छे से बता दूंगा, एक आध दिन बना लूंगा वीडियो, टॉपर के साथ आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो वो वीडियो डाल दूंगा मैं। तो भाई एटलीस्ट 40 मिनट तो तुम्हें देनी चाहिए, तो यहाँ हो गए तुम्हारे 40 मिनट, ठीक है। अब अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात कर लें, तो भाई ये वो है फिजिक्स। फिजिक्स को तुम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते, फिजिक्स को अगर तुमने इग्नोर किया और तुम गए, अभी मैं बता दूं, अभी 2023 के बैच वाली बात बता दूं, तो भाई बंदों के गंदे मार्क्स आए हैं फिजिक्स के अंदर, गंदे मार्क्स स्कोर करे हैं उन्होंने, है ना। एक बंदे का मैं एग्जांपल दे दूं, हर सब्जेक्ट में 95+, हर एक सब्जेक्ट में, 100 भी 3 सब्जेक्ट में, उसके बाद उसके 84 नंबर इन फिजिक्स, इस परसेंटेज गॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। इतनी ख़राब भी नहीं हुई थी लेकिन हो गई थी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो फिजिक्स को तुम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, अगर तुम्हें फिजिक्स में 100 नंबर शतक लाना है, शतक तुम्हें स्कोर करना है, 100 नंबर काफ़ी इजी भी हो सकता है, काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, अगर तुम 4 से 5 बार वीक में पढ़ रहे हो उसको, फिजिक्स को बेटा तुम्हें 4 से 5 टाइम वीक में पढ़ना चाहिए, अगर तुम 100 नंबर का टारगेट लेकर चल रहे हो, ठीक है। और तुम्हारा होना चाहिए टारगेट, ठीक है, टारगेट अभी से सेट करोगे तभी रोड मैप पता लगेगा कि हमें किस रास्ते चलना है, ठीक है। तो देखो यार एक ट्रिक होती है कि यार तुमने टॉपिक कोई पढ़ा, ठीक है, अब भाई मैं सच बताऊं तो मैं वो टाइम कवर कर ही नहीं रहा जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम YT का लेक्चर तुम देख रहे हो उसको मैं पढ़ाई नहीं कहूँगा, उसको सेल्फ स्टडी के अंदर काउंटर नहीं करेंगे। असली पढ़ाई वो होती है जब तुम जो तुमने पढ़ा उसको अपनी बुक के थ्रू रिवाइज कर रहे हो, है ना, YouTube की नोट्स के थ्रू नहीं, जो अपनी बुक है तुम्हारी सेलिना की उसके थ्रू रिवाइज कर रहे हो, दैट इज़ सेल्फ स्टडी। जो भी तुमने लेक्चर देखा या ट्यूशन स्कूल में पढ़ा उसको जाके रिवाइज करो एंड प्लस प्रैक्टिस करो, दैट इज़ सेल्फ स्टडी, ठीक है। उसके 30 मिनट मैं मान रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट लगेंगे उस टॉपिक को रिवाइज करने है प्लस प्रैक्टिस करने है। प्रैक्टिस तुम कहाँ से करोगे, तुम PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तुम अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ओके, तुम एक्स्ट्रा कुछ बुक यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये तुम्हें करना है और इसमें तुम्हारे 30 मिनट जाएंगे, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी की बातें हो रही हैं, डिस्क्लेमर, ठीक है, ओके जी। तो 30 मिनट तुम्हें लगेंगे। और भाई ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि टॉपिक को पढ़ो तुरंत रिवाइज करो, एक टेक्निक होती है I111, ओके, I111 टेक्निक होती है, उसके अकॉर्डिंग ये I स्टैंड करता है इमीडिएटली,
इमीडिएटली के लिए। तो भाई अगर तुम किसी टॉपिक को इमीडिएटली रिवाइज कर ले तो पढ़ने के बाद, तो तुम्हारे जो ऑड्स होते हैं भूलने के वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। सो रिवाइज इंस्टेंटली व्हाट यू स्टडी। ओके जी, चलो अब अगले सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। तो हम अगर काउंट करें तो 40 हो गए थे हमारे मैथ्स के, 30 हो गए हमारे फिजिक्स के। फिजिक्स हर पूरे वीक नहीं पढ़ना है, 4 से 5 बार पढ़ना है। अगर तुम पूरे वीक पढ़ सकते हो तो वेरी गुड, अमेजिंग, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का टाइम और रिड्यूस कर दिया हमने, और रिड्यूस कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि भाई केमिस्ट्री में हर बंदा अच्छा स्कोर करता है, मेजॉरिटी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, और केमिस्ट्री इज़ नॉट सो टफ। ओके जी, नॉन टफ सब्जेक्ट। ओके जी, तो केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, 100 नंबर लाना इतना बड़ा कोई काम नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं 3 से 4 वीक पढ़ना है, ठीक है इसको। और वही चीज़ जो मैंने फिजिक्स में बोली वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं टॉपिक को पढ़ना है एंड रिवाइज करना है, ठीक है। कंप्लीट द टॉपिक। कंप्लीट कैसे करोगे? कंप्लीट तुम स्कूल, ट्यूशन, YT मतलब यूट्यूब, इनसे तुम कंप्लीट कर सकते हो टॉपिक को। उसके बाद तुम उसको रिवाइज करोगे, और रिवाइज कहाँ से करोगे? बुक्स से रिवीजन करोगे उसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब के लेक्चर्स के नोट्स हैं उनको पकड़ के तुमने रिवाइज कर लिया, उनको भी करना है। एंड आफ्टर दैट रिवाइज थ्रू योर बुक, है ना, जो भी तुम्हारी बुक हो सेलिना वगैरह की उससे रिवाइज कर लेना है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रिवाइजिंग तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम प्रैक्टिस कर पा रहे हो शुरू में तो करो, वरना कर लेना चाहिए। वैसे PYQs तुम सॉल्व कर सकते हो, अभी से करोगे तभी तो आदत आएगी, तभी तो तुम बैठ पाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके जी, तो भाई देखो ये हर पॉइंट यहाँ पर आता है, ये सेम पॉइंट हर जगह आएगा। क्यों आएगा भाई? इसलिए आएगा क्योंकि यार दिन हमारे कई दिन ऐसे आते हैं, तुम्हारी बात नहीं है सिर्फ टॉपर्स की बात, टॉपर्स का भी ऐसा होता है, ठीक है, कि यार कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मन नहीं करता, ठीक है। तो भाई उस कंडीशन को तुम्हें कैसे ओवरकम करना है, तुम्हें सिर्फ खुद से बोलना है कि यार मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, और बस 10 ही मिनट पढ़ूंगा, फिर मैं खेलूंगा, जो भी तुम्हें करना हो करूँ, रात में तुम कहाँ खेलने जाओगे, फ़ोन चला लूँगा, है ना, जो भी तुम्हें करना है। तो ये तुम बोल लो खुद से और बैठ जाओ पढ़ने। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आए कि तुम्हारा मन लग जाए और तुम आगे भी पढ़ते रहो। एंड इफ़ इट डजेंट हैपन तो तुम्हें क्या करना है भाई, 10 मिनट पढ़ लेना है और तो फिर उठ जाना है, ठीक है, जो भी तुम्हें काम करना हो उसके बाद तुम कर सकते हो। तो यार जो भी मैंने ये प्रक्रिया बताई है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें यार 25 मिनट्स ऑफ फोकस्ड स्टडी। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही पढ़ोगे बैठ जाओगे 25 मिनट तो काम हो जाएगा। फोकस्ड स्टडी तुम्हें करनी है 25 मिनट की, एंड यू आर गुड टू गो विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम्हारा काम यहाँ बन जाता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो केमिस्ट्री में तुम महारत हासिल कर लोगे बोर्ड एग्जाम आते आते। तुम्हें लग रहा होगा भैया इतने कम पढ़ने से क्या होगा? भाई इतने कम पढ़ने से जो कंसिस्टेंसी है ना जो तुम्हारी, वो मल्टीप्लाई होती है। तुम बेटा एक बार पढ़ के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा अभी आगे अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। इतना ही पढ़ के देख लो जितना मैं बोल रहा हूँ अपकमिंग एग्जाम में, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब यार साइंस की बात चली रही थी तो बायोलॉजी कैसे मिस कर सकते हैं? बायोलॉजी में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं बच्चों के। तो यार तुम 2 से 3 बार हफ्ते में, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हम कितने पढ़ रहे थे? 3 से 4 दिन हफ्ते के। ओके जी, और फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स में पढ़ रहे थे हम 4 से 5 डेज हफ्ते के। मैथ्स फुल वीक पढ़ रहे थे हम, फुल वीक। अब हम बात करें, है ना, फुल वीक। अब यार हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी यार 2 से 3 बार हफ्ते में पढ़नी है, एंड इट्स मोर देन इनफ टू स्टडी 2-3 टाइम्स अ वीक बायो, है ना, व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। तो यार 2 से 3 बार पढ़नी है, और मैं वही प्रक्रिया तुम्हें फिर से दोहराने को बोल रहा हूँ। वही प्रक्रिया तुम दोहराओगे फिर से कि तुम यार, है ना, जो भी तुम्हें चैप्टर है वो तुम बुक से पढ़ना हो तो बुक से पढ़ लेना। अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो देन आई इंक्लूड दैट टाइम इन योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के अंदर वो टाइम मैं तुम्हारा इंक्लूड कर लूँगा अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो। बुक से रीड करने के बाद तुम अगर तुम YT से यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या फिर तुम्हारे ट्यूशन वाले सर ने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, या तुम्हें स्कूल से, तो वो टाइम मैं इंक्लूड नहीं करूँगा सेल्फ स्टडी के अंदर, ठीक है। मैं टाइम इंक्लूड करूँगा रिविज़न टाइम, जो तुमने पढ़ा है इन सब सोर्सेज से उसको तुम्हें रिवाइज करना है, देन प्रैक्टिस करनी है। अब तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो देन इट्स ओके, लेकिन ट्राई करो प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस PYQs या फिर बुक से तुम कर सकते हो, PYQs आर मोर रिलेवेंट, ठीक है, तो उनसे तुम रिवाइज करो। ओके जी, इसको ज़रा इरेज करके आगे वाली बातें कर लेते हैं ज़रा बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में कोई बड़ी बात नहीं है भाई, तुम कर सकते हो, बहुत प्यार प्रेम से तुम्हारे 100 नंबर आ जाएंगे, शतक लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके जी, हाँ ठीक है जी, ओके। तो भाई तुम्हें क्या करना है, अरे यार येलो लेते हैं, येलो, ठीक है भाई। पॉइंट तुम्हें भाई बता चुका हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ भी तुम्हें टफ बनना है। अब
बिल्कुल टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि बेटा तुम 10 मिनट भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो तुम 5 मिनट के लिए बैठ जाना कि भाई मैं तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, और हो सकता है तुम्हारा मन लग जाए, नहीं लगे तो अगले दिन पढ़ लेना, ठीक है, या जो भी तुम्हारा अगला वीक डे होगा, जो भी दो तीन दिन वीक पढ़ना है ना तुम्हें, ठीक है। और यार जो मैं ये काम बोल रहा हूँ उसमें 30 मिनट ऑफ सेल्फ स्टडी तुम्हारे लगेंगे, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलना भैया वीडियो लेक्चर वगैरह देखने में तो टाइम लगता है, तो कैसे हम सिर्फ 30 मिनट में काम कर लेंगे। तो अगर देखें हम 40 मिनट मैथ्स, ठीक है, और चलो देख लेते हैं, हाँ 30 और 25 हो गए मैंने, ओके जी। इंग्लिश लैंग्वेज, अब तुम कहोगे भैया इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहे थे, आपने मैथ्स कवर कर लिया, आपने पूरी साइंस कवर कर ली, साइंस के अंदर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट कवर कर ली, अब इंपॉर्टेंट में ये इंग्लिश कहाँ से बीच में टपक पड़ा, इंग्लिश लैंग्वेज। यार मैंने एक वीडियो बनाई है इंग्लिश कैन रियून योर मार्क्स इन योर 2023 बोर्ड रिजल्ट, तो वो वीडियो जाके देखो, मैंने वहाँ सारी स्टेट्स कवर करी हैं कि कैसे इंग्लिश डिस्ट्रॉय, इंग्लिश खासकर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है तुम्हारी परसेंटेज को। लेकिन जो जो हैकर्स CIS के इस बार बंदे दें, उन्होंने भाई तोड़ फोड़ दिया, तबाह कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज को। मैं भाई मैं सच बताऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही प्यारी मैं पढ़ाता हूं, लास्ट ईयर के बैच को मैंने पढ़ाया था, सिर्फ बहुत ही कम दिन पढ़ाया था, फिर भी उन्होंने तोड़ फोड़ दिया था इंग्लिश को, भले ही किसी और सब्जेक्ट में आए ना आए, इंग्लिश लैंग्वेज तो उन्होंने ऐसा तोड़ा फोड़ा था। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें 99 100 नंबर भी स्कोर करने हैं, 100 अगर तुम शुरू से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू माइट स्कोर 100 मार्क्स, यू कैन स्कोर 100 मार्क्स। तो अगर तुम पढ़ोगे तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा यार एक नंबर तो कट सकता है तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो लिटरेचर में 100, इंग्लिश लैंग्वेज में 99, तो तुम 100 नंबर फिर भी ला सकते हो। तो अगर तुम्हें लाने हैं तो यार तुम्हें 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा वीक मीडियस में, तुम जाके पॉडकास्ट देखो, एक एपिसोड बना गया उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे बंदे को हमने बिठाया जिसके 99 नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसने भी बोला है कि भैया आपकी वीडियो से हेल्प काफ़ी हेल्प हुई है, तो ये बहुत प्राइड वाली फीलिंग है अपने लिए, ठीक है, आई टेक प्राइड इन दिस, ठीक है। तो भाई तुम उसमें देखोगे तो उस बंदे ने कहा है कि 2 से 3 बार तो वो डेफिनेटली एक वीक में पढ़ता था, है ना, तो भाई तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। अब तुम भैया पूछोगे क्या पढ़ना है भैया, मैं तो तुम टेंस पढ़ोगे शुरुआती फेज में हो भी तुम बोर्ड एग्जाम के, तो तुम्हें बेस स्ट्रॉन्ग करने हैं, टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस DI वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, ठीक है। अभी बेटा इन्हीं पे फोकस करो, अगर तुम्हें ये चीज़ तुम कर लेते हो देन तुम थोड़ी थोड़ी तुम चाहो तो वर्ब जो होते हैं तुम्हारे, है ना, तो वो तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम प्रपोजिशन की तरफ जंप कर सकते हो। प्रपोजिशन की तरफ कैसे जंप करोगे तुम हमारे YT वीडियोस देखोगे, मैंने बनाए हैं अराउंड 10K अराउंड व्यूज़ हैं उस वीडियो पर प्रपोजिशन की, उस पर उसको जाके तुम देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 इवन वन शॉर्ट वीडियो तक बना रखे हैं प्रपोजिशन की, वो तुम देख सकते हो चाहो तो, वर्ब की वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। तुम पहले ये करो फिर आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज तो वैसे ही मैं पूरी कराने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, हाँ ये सब इन्हीं की एक्सरसाइज की बात हो रही है, एक्टिव पैसिव टेंस DI वॉइस वगैरह की, और ये सब करने में कुछ ज़्यादा टाइम तुम्हें लगेगा नहीं, तुम्हें सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, बिलीव मी इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टाइम इफ़ यू आर लाइक स्टडिंग बींग फोकस्ड, है ना, फोकस्ड होकर तुम स्टडी कर रहे हो तो डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, एटलीस्ट 20 मिनट लगेंगे, बहुत कम टाइम लगता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारा ये टाइम कितना हो गया, ठीक है, ओके एक बार देख लेते हैं, 40 मिनट मैथ्स, 30 मिनट फिजिक्स एंड 25 मिनट्स वो बायो, रुक जाओ ज़रा, 30 मिनट बायो 25 मिनट केमिस्ट्री, ओके 30 मिनट बायो एंड 20 मिनट ये, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब भाई ये तुम्हारे हो गए थे मेन सब्जेक्ट, जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे कवर्ड हो चुके हैं, अब तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट बचे कुछ हैं, इनको तुम्हें बीच के बीच में फंसाना है। जैसे यार तुम्हें वीक डेज की बात बताऊँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना, सैटरडे संडे, 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारे ये वीक डेज हैं, इसके अंदर यार मैथ्स तो तुम्हें रेगुलरली पढ़ना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिक्स ही पढ़ना है, है ना, यहाँ पे तुम चाहो तो मैथ्स तो तुम्हें यहाँ भी पढ़नी है, फिजिक्स को चाहो तो स्किप कर दो अगले, है ना, एक दिन बाद पढ़ लेना, मैथ्स तो तुम्हें सब में पढ़नी है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में से एक कोई पढ़ लिया करो एक दिन में, ठीक है। और फिर तुम चाहो तो बायोलॉजी किसी दिन डाल दो, जैसे ये हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस दिन बायो हो गई, और बाकी सब्जेक्ट तुम जाके ले लो, सपोज आज के दिन मैथ्स हो गई, अब तुमने केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों स्किप कर दिए, क्योंकि केमिस्ट्री यार 2 दिन नहीं पढ़ना है वीक के, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तुम अपने मन से कर सकते हो।
तो मैथ्स यहाँ पे बची, यहाँ तुम कोई रेगुलर सब्जेक्ट ले सकते हो, फिर हिस्ट्री सिक्स वगैरह उठा सकते हो। तो यार ऐसे तुम्हें प्लान करना है पूरा, और एटलीस्ट यार 2 घंटे तो फोकस, मैंने 2 घंटा गलत लिख दिया, एटलीस्ट यार तुम्हें 3 घंटे तो देने पड़ेंगे, 2 नहीं 3 घंटे, 3 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी करनी है तुम्हें 2 से 3 घंटे की। मैं बात नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह की, मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी तुम्हें करनी है 2 से 3 घंटे, 3 घंटे एटलीस्ट 3 घंटे, एंड तुम्हें फोकस होकर पढ़ना है। और हमेशा याद रखना कि यार बोर्ड एग्ज़ाम एक जर्नी है, लाइफ तो जर्नी है, बोर्ड एग्ज़ाम भी जर्नी है, तो भाई वो तुम्हें उस जर्नी को अच्छे से पार करना है। तो तुम्हें अच्छे से रोज़ तुम्हारे डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उन्हें अच्छे से कवर करना है। एंड विद दिस लेट्स एंड द वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड बहुत ज़रूरी है अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो तुम्हारा मतलब लाइफ बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर हमें इस चैनल को करना है, और ज़रूर कर लेना, ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं।